नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को कोरेलड्रॉ 11 के अंदर यह बताऊंगा कि कैसे हम लोग मल्टीपल लाइन कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मल्टीपल लाइन आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और मैं इसे जूम करता हूँ, ये देखिए इस तरह का लाइन हम लोग कोरेलड्रॉ 11 के अंदर कैसे बनाते हैं। और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ कोरेलड्रॉ 11 में नहीं, किसी भी वर्सन में आप आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। इस तरह आप लाइन आप क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल लाइन। और कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल एंड ईजी तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप अपना कोरेलड्रॉ को ओपन करें। यहाँ करने के बाद फाइल में जाएंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे। करने के साथ यहाँ पे एक नया पेज उभर कर आ जाएगा। अब जो लाइन, सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए लाइन ड्रॉ करने का मैं आपको तरीका दिखाता हूँ, कैसे एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उससे मल्टीपल लाइन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले पेज, यहाँ पर आपको पेज दिख रहा होगा, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, टूल बॉक्स आपको दिख रहा होगा। टूल बॉक्स है यहाँ पे, देखिए हैंड टूल है, ठीक उसके नीचे देखिएगा फ्री हैंड टूल है। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके रखिएगा तो इसके साथ बाकी टूल्स भी उभर कर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला टूल जो है फ्री हैंड टूल है, जिससे हम लोग लाइन वगैरह क्रिएट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये फ्री हैंड टूल पर क्लिक किया मैंने, और अपने पेज पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन इसमें अगर ड्रैग करेंगे तो तिरछा लाइन, अगर सिंपली अगर ड्रॉ कर देते हैं तो देखिए इस तरह लाइन ड्रॉ होता है। तो ऐसे ड्रॉ नहीं करना है हमें, सबसे पहले आपको फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है, और स्ट्रेट लाइन के लिए फर्स्ट क्लिक, याद रखिए माउस का लेफ्ट क्लिक फर्स्ट क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा इस तरह लाइन एक देखिएगा पॉइंट आपको दिखाएगा, और इसे अगर ऐसे घुमाएंगे तो देखिए इस तरह आप रोटेट कर सकते हैं। तो पहला क्लिक करना है और माउस को छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है। उसके बाद जिस जगह तक चाहिए आपको, जितना लंबा लाइन चाहिए आप वहाँ तक ले जाइए। उसके बाद कंट्रोल दबा के रखिए, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए, देखिए स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। फिर आपको लेफ़्ट क्लिक कर देना है, साथ ही साथ लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, मतलब फर्स्ट क्लिक एंड लास्ट क्लिक, याद रखिए पहला क्लिक कर देना है। फिर से मैं दिखाता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो सबसे पहले आप यहाँ पर फ्री हैंड टूल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद अपने पेज पर किसी भी जगह पर माउस का लेफ़्ट क्लिक कीजिए, पहला क्लिक कर दिया, माउस को छोड़ दीजिए। उसके बाद जिस जगह तक चाहिए आपको कंट्रोल प्रेस करके रखिए, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फिर आपको माउस का लेफ़्ट क्लिक कर देना है, तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिएगा ये जो लाइन सिलेक्ट अगर रहता है तो देखिए बीच में क्रॉस इस तरह दिखाई देगा, तीन यहाँ पर आप छोटे छोटे स्क्वायर दिखाई देंगे, बीच में दो स्क्वायर दिखाई देगा, प्लस आपको एक छोटा सा क्रॉस, और इधर राइट हैंड साइड में छोटे छोटे तीन स्क्वायर दिखाई देगा, मतलब ये लाइन सिलेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, माउस को इस जगह पे रखिए, ये बीच वाला जगह पे जिस जगह पे क्रॉस है वहाँ पे रखिए माउस को, तो एक आपको क्रॉस दिखाई देगा, थोड़ा सा बोल्ट टाइप का क्रॉस दिखाई देगा। और माउस का लेफ़्ट क्लिक, याद रखिए माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखिए, थोड़ा सा नीचे आपको ड्रैग करना है, माउस को छोड़ना नहीं है, याद रखिए माउस का लेफ़्ट क्लिक करके नीचे आपको ड्रैग करना है, तो दूसरा लाइन तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको राइट क्लिक भी कर देना है, माउस को छोड़ना नहीं है, लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना है और नीचे ड्रैग करना है, उसके साथ साथ आपको माउस का राइट क्लिक कर देना है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो एक लाइन देखिए इस तरह क्लिक किया, राइट क्लिक कर दीजिए आप, प्लस का साइन आएगा, तो देखिएगा एक लाइन और यहाँ पे तैयार हो जाएगा। फिर से दिखाता हूँ, सिंपली आपको यहाँ मिडिल पोर्शन पे रखना है, माउस का लेफ़्ट क्लिक करते हुए नीचे ड्रैग करना है, साथ में आपको राइट माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है, साथ में आपको राइट क्लिक जैसे ही करेंगे एक प्लस का एक छोटा सा आइकन आपको दिखाई देगा, ये देखिए एक लाइन तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल तैयार करना है, एक लाइन का बहुत सारा लाइन, तो आपको अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कीबोर्ड में कंट्रोल आर प्रेस करना है, कंट्रोल और आर, ये मैं कंट्रोल दबाया और आर प्रेस करते जाइए, देखिए लाइन इस तरह का तैयार होता चला जाएगा, देखिए ये देखिए तैयार हो रहा है, कंट्रोल आर प्रेस करते जाइएगा, देखिए लाइन तैयार होता चला जाएगा। देखिए थोड़ा सा और पेज को जूम करता हूँ, ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल आर एक बार लाइन बना दिया, उसके बाद कंट्रोल आर करते जाइए, देखिए लाइन इस तरह तैयार हो जाएगा, देखिए ये देखिए, और थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये देखिए लाइन आपको दिख रहा होगा। एक बार आपने वो प्लस ड्रैग करके नीचे टान देने के बाद कंट्रोल आर प्रेस करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली लाइन आपका तैयार होता चला जाएगा। ये देखिए लाइन देखिए, आपको देख सकते हैं मल्टीपल लाइन तैयार हो गया। ये सिंपल तरीका मैंने दिखाया आपको, ये देखिए
ये देखिए लाइन, देखिए ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरे पेज में देखिए लाइन, मल्टीपल लाइन तैयार हो गई, एक लाइन से मल्टीपल। अगर नहीं समझ में आया फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। सिंपली आपको करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कोरेलड्रॉ को ओपन करना है, फाइल में जाइए, न्यू पे क्लिक कर दीजिए तो नया एक पेज आ जाएगा इस तरह। अब सवाल उठता है लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो हैंड टूल के ठीक नीचे ये वाला जो टूल है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री हैंड टूल, वहाँ कर्सर रखिएगा तो ऑटोमेटिकली वो शो करेगा, वहाँ लिखा हुआ आएगा फ्री हैंड टूल। अगर नहीं आता है तो यहाँ दबा के रखिए, हैंड टूल के ठीक नीचे यहाँ जूम टूल रहता है, इसके ऊपर जूम टूल रहता है, यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर पे ये जो टूल है इसे फ्री हैंड टूल, इस पर क्लिक कीजिए और अपने पेज पे किसी भी जगह पे माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दीजिए। उसके बाद माउस को दूसरे एंड तक ले जाइए आप ड्रैग करके, उसके बाद कंट्रोल दबा के रखिए, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा देखिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे कीजिएगा देखिएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फिर माउस का लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, ये दूसरा क्लिक, फर्स्ट एंड लास्ट क्लिक करना है आपको, तो इस तरह का लाइन उभर कर इस तरह का लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बीचों बीच आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बीचों बीच आपको माउस पॉइंटर रखना है रखिएगा, एक आपको बड़ा सा चकोर टाइप का ये आपको एक क्रॉस का साइन दिखाई देगा और उसको माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, दबा के रखिए माउस को और छोड़ना नहीं है, और थोड़ा नीचे लाइए तो एक दूसरा लाइन आपको दिखाई देगा, साथ में आपको प्लस क्लिक कर देना है, मतलब माउस का लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करते हुए नीचे लाना है तो एक लाइन आ जाएगा दूसरा लाइन, उसके बाद आपको राइट क्लिक कर देना साथ ही साथ, माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, साथ में आपको राइट क्लिक कर देना, प्लस का साइन आएगा तो समझ लीजिएगा कि ये क्रिएट हो गया दूसरा लाइन। अब आपको कंट्रोल और आर प्रेस करना है, ये मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए, ये देखिए लाइन तैयार हो रहा है, देखिए मल्टीपल लाइन जहाँ तक चाहिए आप लाइन इस तरह बना सकते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करते जाइए पूरा का पूरा पेज में, देखिए ये लाइन इस तरह आप मल्टीपल लाइन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं आपको आपके लिए ट्यूटोरियल बना दूंगा। और ये मैंने आपको सिंपल आसान तरीका बताया कि कैसे हम लोग कोरेलड्रॉ 11 के अंदर मल्टीपल लाइन बनाते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं कोरेलड्रॉ 11 से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।